हेलो दोस्तों, तो हम जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरीज की जो है बात कर रहे थे, एक्सीडेंटल डिस्कवरीज की। और अब हमारा टॉपिक आ गया है सिलोफेन पर। तो अब हम देखते हैं कि सिलोफेन वाले केस में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो सिलोफोन होता है वो एक शीट होती है जो विस्कोस से बनी होती है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सिलोफोन के विचार सबसे लोकप्रिय स्पष्ट जो है, स्विस एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे। मीन्स टेक्सटाइल जो अलग अलग कपड़े की डिज़ाइन टेक्सटाइल्स बना इंजीनियर थे, तो उनके ये दिमाग में तब ये ख्याल कूदा जब वह एक रेस्तरां में बैठे हुए थे और एक ग्राहक ने मेज पोश पर जो है शराब की बोतल जो है गिरा दी थी। फिर वे अपने प्रयोगशाला यानी अपनी लेबोरेटरी में जा वापस गए और उसको जो है यकीन था कि ये जो है स्पर्श फिल्म को कपड़े में लागू करने के तरीके को वो खोज सकेगी, तो वो खोज लेंगे कि कैसे वो जो है वाटर प्रूफ हो जाए, कपड़ा कैसे जो है वाटर प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि वो ये वाला जो है डिस्कवर कर लेंगे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों के साथ जो है शोध किया, मीन्स बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया और आखिर में जो कपड़े के लिए तरल विस्कोस लगाया। ठीक है, तरल जो लिक्विड विस्कोस नहीं होता वो उस कपड़े पे लगाया ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए। तो ये उनका ये प्रयोग था वो असफल रहा, नहीं हो पाया, क्योंकि जो कपड़ा बहुत कड़ा और भंगुर हो गया था। सीसी लैंग्वेज में बताऊँ तो कपड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, और ब्रेंडेन बर्गर जो स्विस टेक्सटाइल इंजीनियर जिनका नाम था जाक ब्रेंडनबर्ग, ठीक है, तो वो इसमें असफल रहे थे। तो हालांकि उन्होंने ये नोट किया कि कोटिंग को एक पारदर्शी फिल्म में बंद किया गया जिससे अन्य अनुप्रयोग हो सकते हैं, कि मतलब कि इसको अगर हम पारदर्शी फिल्म में बंद कर दें तो उनको लगेगा कि इससे हम कोई और चीज़ निकल सकती है, और चीज़ का डिस्कवर हो सकता है। तो 1908 तक उन्होंने एक मशीन विकसित की जो पारदर्शी विस्कोस शीट तैयार कर सके, जो उन्होंने सिलोफेन के रूप में विपणन की। तो आपने देखा कि ये भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो डिस्कवर करने के कुछ और सोच रहे थे और उन्होंने डिस्कवर कुछ और कर लिया। तो ऐसी हुई ये बात। और जो सेलोफेन जो है एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट से बना, जो बना होता है रीजनरेटेड सेलुलोज से। तो आज हम इनको अलग अलग चीज़ों से जो है यूज़ करते हैं, पैकेजिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, खाने को अगर हम काट देते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हम ये जो शीट होती है इसको जो है हम यूज़ करते हैं। और ये कोई प्लास्टिक नहीं होता सेलोफेन, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो सिंथेटिक होता है या तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। बट जो सेलोफेन है ये एक शीट होती है जिस जो बनी होती है रीजनरेटेड सेलुलोज से। तो कैसा लगा आपको ये हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस तरह की नॉलेज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।